इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आंधी के बीच संगम में 9 लोगों के डूबने से जुड़ी खबर। संगम में रविवार शाम संगम स्नान के दौरान डूब गए, जहाँ 5 लोग डूबे गए युवकों का नहीं लग सका सुराग। घटना में तेज आंधी के वक्त हुई घटना, रविवार की शाम 6 बजे की घटना। तेज आंधी के वक्त संगम में नहाने पहुंचे थे 9 युवक। आंधी आने के बाद संगम घाट पर गए डब्बे की रस्सियां टूटी। रस्सी टूट जाने के कारण पानी का अंदाज़ा न लगाने पाने से 5 युवक गहरे पानी में समा गए। तत्काल वहां मौजूद जल पुलिस गोताखोरों की टीम ने खोजबीन में लगी। वहीं 4 लोग को बचाया रेस्क्यू करके, तो वहीं 5 लोग का नहीं चल पाया पता। रात अंधेरा होने के कारण सुबह फिर से होगा रेस्क्यू। क्या कुछ कहा है पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने, आइए दिखाते हैं। ये जनपद प्रयागराज में आज संगम नोस पे जो कुछ लोग स्नान कर रहे थे और आगे काफ़ी बढ़ के स्नान कर रहे थे, इस समय के आसपास जो है वो काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया है, जिसकी वजह से पानी में लहर पैदा हुई। इसमें जो वहाँ पे जल पुलिस के और पीएसी के जवान थे, इन्होंने 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया वहाँ पे उस तेज बहाव में। लेकिन 5 लोग हैं जिनके अभी रेस्क्यू करने को और उन्हें ढूंढने की कार्यवाही जारी है। इन 5 लोगों की तलाश की जा रही है। मॉर्निंग में अभी अंधेरा होने की वजह से जो एफ़र्ट्स हैं वो अलग से हो रहे हैं। इसके बाद में मॉर्निंग में फिर से और टीम्स जुटेंगी इन लोगों को तलाशने के लिए। तो ये 5 लड़के हैं जो नहा रहे थे, इन 5 की तलाश अभी जारी है। अभी थे स्नान करते करते, क्योंकि यंग बच्चे थे, अभी एक बचे हुए बच्चे से मेरी बात हुई है तो उसका कहना है कि वो आगे बढ़ गए थे। उन्होंने कोई जो साथ में स्नान करने वाला था उससे ही पूछा था कि हम और आगे बढ़ जाएं, तो उसका कहना है कि उसने कहा था आगे चले जाएं। महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर। महाकुंभ की तैयारी के लिए जुटा रेलवे। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। निरंजन रेलवे लाइन का किया जा रहा है चौड़ीकरण। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर भी चल रहा है सुंदरीकरण का कार्य। सूबेदारगंज में भी 2 प्लेटफॉर्म बनाए जाने की चल रही है बात। मेट्रो की तर्ज पर प्रयागराज से अयोध्या चल सकती है हाई स्पीड इंटरसिटी। वाराणसी अयोध्या बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे लाइन चौड़ीकरण का हो रहा है काम। रेलवे द्वारा अभी से महाकुंभ को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें प्रयागराज के रेलवे जंक्शन पर महाकुंभ को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां नई रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है। ऐसे में लगातार तेज़ी से महाकुंभ को लेकर रेलवे कार्य में जुट गया है। युद्ध स्तर पर जहां रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 का सौंदर्यीकरण और फिर से निर्माण कराया जा रहा है और तैयारी तेज़ कर दी गई है। 2025 में लगने वाले तीर्थों के राजा प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर अभी से रेलवे सजग हो गया है और रेलवे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे अब एयरपोर्ट के तर्ज पर प्रयागराज जंक्शन को बनाने की तैयारी में जुट गया है, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हाईटेक सुविधाएं होंगी एयरपोर्ट के तर्ज पर, तो वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 का भी सौंदर्यीकरण तेज़ी से कराया जा रहा है, जिन पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके आने वाले प्रयागराज। ऐसे में साथ ही सूबेदारगंज प्लेटफॉर्म पर भी 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है और प्रयागराज से अयोध्या के लिए इंटरसिटी मेट्रो की तर्ज पर चलाने की बात हो रही है, जो कि मेट्रो की तरह स्पीड होगी। ऐसे में प्रयागराज में रेलवे ने पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और हाईटेक सुविधाओं को लेकर अभी से ही रेलवे जुट गया है, जहां निरंजन पुल का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे बनारस और अयोध्या की बेहतर कनेक्टिविटी हो सके प्रयागराज से। इसको लेकर अब सारी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और तेज़ी से कार्य शुरू है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह रुखसाना के भाई पर दर्ज हुआ मुकदमा। 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। प्रयागराज के कर्नरगंज थाना में दर्ज किया गया मुकदमा। नूर अख्तर पर लगा रंगदारी मांगने का आरोप। आईपीसी की धारा 341, 386 और 506 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। बक्सी मोड़ा के बिरजू निषाद की शिकायत पर दर्ज किया गया मुकदमा। अपने भाई की हत्या में गवाही देकर न्यायालय से बाहर आते वक्त नूर अख्तर और उसके साथियों द्वारा दी गई धमकी। लोटन निषाद की हत्या में साजिशकर्ता के रूप में नूर अख्तर का है नाम। नूर अख्तर के साथ जाकिर अली सेबू उर्फ साजिद और सादिक पर दर्ज हुआ मुकदमा। राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह रुखसाना के भाई नूर अख्तर पर
लोटन निषाद के भाई बिरजू निषाद की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। के संगम तट पर रामघाट पर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट के छात्र राजय गुप्ता और मनोज के नेतृत्व में कई सेंड आर्टिस्टों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक भव सेंड आर्ट 15.24 मीटर के गोले में पृथ्वी की आकृति तैयार की है। 120 फीट लंबी 40 फीट चौड़ाई में विश्व पर्यावरण दिवस लिखा गया। जिस तरह से संगम तट पर रामघाट पर पृथ्वी की आकृति सेंड आर्टिस्टों द्वारा बनाई गई, मानो ऐसा लग रहा है पृथ्वी संगम तट पर ही हो। सेंड आर्टिस्ट अजय का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़ा उत्सव है। वहीं संगम तट पर भव सेंड आर्ट जहां सेंड आर्टिस्टों द्वारा बनाया गया, तो इसे देखने के लिए लोग भी यहां पहुंचे। उन्होंने सेंड आर्ट किया है जो कि पर्यावरण दिवस पर है। ये सेंड आर्ट कुछ नया है, ये 3D सेंड आर्ट है जो कि आप लोग पुल के ऊपर से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। देख के इसकी जो खूबसूरती है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पर्यावरण दिवस पर लोगों ने सेंड आर्ट के द्वारा लोगों से अपील किया है, जैसे AC का प्रयोग लोग बहुत करते हैं तो इसका प्रयोग भी कम करें, अपनी गर्मी को बॉडी से भी टेम्परेचर में रखें ताकि ओजोन लेयर में जो दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत कम हो जाए। आगे के पीढ़ी के लिए भी फायदा के लिए कुछ छोड़ दें हम लोग, तो हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में आज सेंड आर्ट किया है। मित्र मनोज और अंकित ने, जय किसान अंजलि ने काफ़ी बेखूबी इस चीज़ को बनाया है। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, इलाहाबाद प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद जहां BJP ने लगातार कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। उज्ज्वला योजना, गांव तक बिजली पहुंचाना हो या फिर शौचालय की बात हो, हर जगह BJP ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए पीठ थपथपाए, जिसके बाद अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने BJP पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने BJP पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरिफ इकबाल का कहना था कि जिस महिला को गैस सिलेंडर देकर पोस्टर लगाए गए थे पेट्रोल पंप पर, उस महिला ने भी इनकार किया है कि उसे कोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला। BJP सिर्फ झूठ बोलती है और लोगों को ठगने का काम करती, क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। जो केंद्र में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक उनका जो रिपोर्ट कार्ड आया है, अभी आपने कहा कि उज्ज्वला और तमाम इशूज़, आप एक सर्वे करा के देख लीजिए। जो उज्ज्वला में जो पेट्रोल पंप पे जिस लेडीज़ की फ़ोटो लगी थी, वो लेडीज़ इनकार कर रही कि मुझे इस तरह का कोई नहीं मिला। तमाम चैनलों में, सोशल मीडिया में उस लेडीज़ का आया। कुछ घर जिनको दिए गए थे, आज उन घरों की स्थिति देख लीजिए। और दोबारा सिलेंडर जो दिया गया, सिलेंडर के प्रचार में तो 5,000 करोड़ खर्च कर दिए कि एक सिलेंडर हम बांट रहे हैं, लेकिन उस सिलेंडर का आपने पता किया कि दोबारा वो सिलेंडर वो लेडीज़ भरवा पाई कि नहीं भरवा पाई? और आवासीय स्थिति देख लीजिए। और 9 साल में आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और इस देश का नौजवान अपने आप को ठगा महसूस तब करता है जब संसद में इस देश के होम मिनिस्टर कहें कि पकौड़ा तोलो, पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। इस इशूज़ पे क्या इस देश का नौजवान फिर इनको वोटिंग करेगा? 9 साल में सरकार फेलियर हो गई है। आज हमारी GDP -23 पे चली गई है, कभी हमारी GDP -23 पे नहीं गई। तमाम इशूज़ पे ये सरकार फेल रही है। हमें नहीं लगता कि 2024 में इस गवर्नमेंट की रिपीट करेगी। आरिफ इकबाल, संयोजक राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज के कटरा स्थित यदुवंशी मार्केट में रविवार देर रात आग लग गई। इससे कपड़े की एक दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान राख हो गया। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने दूसरे मंजिल पर फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। यदुवंशी मार्केट में भूमि तल पर कई दुकानें हैं, जबकि ऊपर कई कमरे बने हैं जिसमें लोग रहते हैं। रविवार देर रात विशाल यादव की कपड़े की दुकान से आसपास के लोगों ने धुआं उठते देखा। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आग की लपटें उठने लगी और लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। स्थानीय लोगों की मदद के बाद फायर ब्रिगेड ने यहां पर आग पर काबू पाया, मगर जब तक सामान जलकर राख हो चुका था। नगरी प्रयागराज, युवक को गोली मारने से जुड़ी बड़ी खबर। कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके में दबंगों ने युवक को मारी गोली। आदिल नाम के युवक को दबंगों ने मारी गोली। मृतक आदिल और उसके पिता दोनों खुद का ई रिक्शा चलाकर घर चलाते थे और अपना पेट पालते थे। सूत्रों के अनुसार आदिल को गोली मारने वाला युवक राशिद है, जो कि स्मैक का नशा करता है।
हत्या की वजह जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। वहीं मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, उपायुक्त नगर, उपायुक्त अपराध व अन्य क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी काम कर रही है, ऐसे में साक्ष्यों को जुटाने में जुटी हुई है। बता दें अब आरोपी राशिद कैंट थाना क्षेत्र का है हिस्ट्री शीटर, कई अपराधों और कृत्यों में जा चुका है जेल। वायरल वीडियो में मृतक के पिता हत्या करने में राशिद, पंकज, आंसू और सनी का नाम ले रहे हैं। मौके पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी है, हत्या के पीछे क्या मामला है अब ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। आदिल के पिता की तहरीर पर मामला किया गया दर्ज, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम की गई गठित। क्या कुछ कहना है इस मामले पर उपायुक्त नगर दीपक भूकर का, आइए दिखाते हैं। दिनांक 3/6/23 को लगभग 11:30 बजे रात में सूचना कैंट थाना क्षेत्र में मिली कि वहाँ राजापुर उचवा गड़ी में एक व्यक्ति जिनका नाम आदिल अली पुत्र रियासत अली है, उनकी जो राशिद है वह उनके दो अन्य साथी उनके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुँचा और उच्च अधिकारीगण भी मौके पर आए और उनके जो पिता हैं उनकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है और जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज के रामबाग की सड़कों का नज़ारा है, जहां पर डग्गा मार बसों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, डग्गा मार ये बसें हूबहू सरकारी बसों की तरह रंग करी होती हैं, जिससे कि आम जनता समझ भी नहीं पाती और कई बार इनसे किराए को लेकर अक्सर बस चालक कंडक्टर से किचकिच भी होती है। और आप देख सकते हैं सड़क पर ही यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी खोल दी गई है और यहाँ पर सड़क से संचालित की जा रही ट्रैवल एजेंसी नियम कानून को ताक पर रख कर खुलेआम किया जा रहा है डग्गा मार बसों का संचालन, जिससे परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, ना ही स्थानीय पुलिस ना ही अन्य विभाग इन पर कर रहा किसी प्रकार की कार्रवाई। जो तिरंगा हमारे देश की शान है, अब उसी तिरंगे का अपमान हो रहा है। बता दें जहां कुंभ के दौरान हर चौराहों पर तिरंगा लगाया गया था और तिरंगे को फहराया गया था और साथ ही हाई मास्क लाइट लगाई गई थी जो तिरंगे को रोशनी देती थी, मगर सबसे बड़ी बात प्रयागराज जंक्शन पर लगाए गए चौराहे पर तिरंगे का अब अपमान हो रहा है। पहली चीज़ तो तिरंगा किनारे से फट गया है और इस पर किसी जिम्मेदारों की नज़र नहीं गई और अभी तक इस तिरंगे को बदला नहीं गया। तो वहीं दूसरी तरफ सूरज ढलने के बाद तिरंगा उतारने का प्रावधान है, मगर इसके लिए हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी जो तिरंगे को रोशनी देती है, मगर ये लाइट भी बंद पड़ी है जिससे तिरंगे को रोशनी नहीं मिल रही है, जिससे तिरंगे का अब अपमान हो रहा है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अब देश के तिरंगे का अपमान हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस पर अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर अंधेरे में इसी तरीके से फटा तिरंगा जंक्शन चौराहे पर फहरता रहता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।